हेलो फ्रेंड्स, निटिंग एंड फूड क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए ये वाला पैटर्न लेके आए हैं कोरोशिया का। ये किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो आप, बहुत अच्छा लगता है। आइए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं इसको। ये बेसिक रो बना रखी है मैंने। पहले दो चेन करके दो सिंपल स्टिच लगा लेंगे डबल क्रोशिया से, इस तरह से। नेक्स्ट ये इस तरह से आगे से उठा के दो स्टिच लगाने हैं, इस तरह से दो स्टिच लगाएं। नेक्स्ट ये दो छोड़ के तीसरे में चार स्टिच डालने हैं सिंपल डबल क्रोशिया से। फिर यहाँ ये दो छोड़ के ये वाला स्टिच हमें यहाँ से लेंगे, तो ये दो छोड़ेंगे, तीसरे में चार स्टिच डालेंगे। यहाँ से ये दो छोड़ के तीसरे में चार स्टिच, यहाँ ये दो छोड़ेंगे, लास्ट में दो सिंपल स्टिच लगाएंगे। सेकेंड रो पे आएंगे, यहाँ दो चेन के सिंपल वाले दो स्टिच हैं जो ऐसे ही लगा लेंगे। अब जो ये दो स्टिच डाल रखे हैं हमने इन दोनों के बीच में, दो स्टिच डाल लेंगे सिंपल डबल क्रोशिया से। और ये वाला स्टिच है जो, इसको इधर से बुनेंगे एक स्टिच को। ये कॉर्नर पे है इसलिए एक स्टिच बुन रहे हैं, इस तरफ वाला इसको छोड़ दिया है। ये जो चार स्टिच हैं यहाँ पर, अब दो स्टिच आए। जो ये वाला है ये एक स्टिच इधर से ऐसे बुनना पीछे से लेके, ये बीच में दो स्टिच सिंपल। नेक्स्ट फिर ये वाला जो इस बार हमने ये दोनों वाले स्टिच बुने हैं, एक ये जो दो स्टिच थे दोनों बुने हैं, एक ये बीच में दो स्टिच रखे हैं, ये कॉर्नर करके एक बुना था, नहीं तो वो बढ़ते चले जाते हैं वहाँ से एक स्टिच, अगर कॉर्नर में भी दोनों बुने हैं तो। यहाँ दो स्टिच लगेंगे चार के ऊपर, इसमें दो स्टिच, फिर कॉर्नर पे आते हैं एक स्टिच पीछे के लिए, बाकी इसको छोड़ दिया। यहाँ बीच में ये दो स्टिच लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे लास्ट वाले को, और यहाँ दो सिंपल स्टिच लगाएंगे।
रो में दो चेन करेंगे। दो स्टिच लगा लिए, ये जो दो लगाए थे बीच में अब यहाँ पे चार आ जाएंगे। चार स्टिच आ गए यहाँ पे, तो ये वाला है जो इसको ऐसे यहाँ जो दो स्टिच थे इसको इस बार छोड़ देना है, और ये जो आगे ये वाला स्टिच है इसको ऐसे ले लेना है। यहाँ फिर चार आ जाएंगे, ये जो रो आ रही है ये हमारी पहली वाली रो की तरह आ रही है। ये जो दो हमने डाले थे ये यहाँ, यहाँ चार स्टिच आएंगे, ऐसे उठा देंगे, फिर यहाँ दो हैं इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट रो पे दो चेन करेंगे और दो सिंपल वाले स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ ये चार स्टिच जो डाले हैं इनके ऊपर दो आ जाएंगे। और ये जो उठा के बुनाए इस तरह से, इसको ऐसे बुनेंगे और इसके अंदर ये दो स्टिच आएंगे। बनेंगे इस तरह से बन जाएगा ये पैटर्न। आगे आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।